फ्रेंड्स, हैव यू एवर लर्न्ड इंग्लिश इन द ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ? कभी नहीं हुआ होगा कि आपने इतनी अच्छी जगह पर आके अंग्रेजी सीखी हो. लोग इन्जॉय करते हैं, बट मैं देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार सिखाना तो है ही, और मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड भी नहीं की है. बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में, बट वीडियो को लास्ट तक देखें. आई एम डैम श्योर बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है. और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन में बताएं सर बैकग्राउंड अच्छा था. चलिए शुरू करते हैं. तो इस सेशन में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज द शॉर्ट आंसर्स इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक द शॉर्ट आंसर्स इन इंग्लिश. फ्रेंड्स, यस और नो, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा शॉर्ट आंसर्स में लगाए जाते हैं. लेकिन शॉर्ट आंसर बोलते टाइम लोग एक्शन भी साथ में बोल देते हैं, जैसे कि आर यू कमिंग? हाँ, यस आई एम कमिंग. भाई यस मीन्स शॉर्ट आंसर, और अगर आप यस लगा रहे हो तो आई एम कमिंग आप फुल आंसर क्यों बोल रहे हो? ऑब्वियसली यस और नो लगाने के बाद सिर्फ दो या तीन चीजें ही यूज होती है, डूअर टाइम वर्ड एक्शन नहीं होगा साथ में यूज, सिर्फ डूअर और टाइम वर्ड. और नेगेटिव आंसर में डूअर टाइम वर्ड नॉट. मैं आपको फॉर्मेट दूंगा वीडियो के बीच में, तो आप देख के फॉर्मेट लिखिएगा और शॉर्ट आंसर को सही से बोलिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू लर्न हाउ टू स्पीक शॉर्ट आंसर्स इन इंग्लिश. दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट आंसर्स अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप यकीन मानिए बहुत सारे लोग शॉर्ट आंसर्स को गलत बोलते हुए, और हो सकता है कि आप भी अभी तक गलत बोलते ही आए हों. तो शॉर्ट आंसर के रूल क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर किन्हें कहा जाता है, समझते हैं. बेसिकली शॉर्ट आंसर्स मीन टू गिव द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स विच आर यस और नो. शॉर्ट आंसर का मतलब है आंसर्स अगर यस और नो दो शब्दों की मदद से आप आंसर दे रहे हो तो उन आंसर्स को शॉर्ट आंसर्स ही कहा जाता है. और शॉर्ट आंसर्स के कुछ रूल होते हैं, फॉलो करिएगा वरना आप गलत बोलेंगे शॉर्ट आंसर्स को. तो अगर आप शॉर्ट आंसर्स बोल रहे हो तो आपको उसके बाद डूअर और टाइम वर्ड ही लगाना है, एक्शन कभी नहीं लगा सकते आप. और अगर निगेटिव है डूअर टाइम वर्ड और नॉट आएगा. शॉर्ट आंसर्स यस और नो से बनते हैं और यस और नो के बाद कभी भी एक्शन नहीं आ सकता. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमसे किसी ने पूछा भाई विल यू कम टुमारो, यस आई विल कम, नो आई विल नॉट कम. भाई अगर यस और नो लगा रहे हो तो एक्शन लगाने की क्या जरूरत है? इसी को ग्रामर में जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट. कभी भी मेन वर्ब नहीं आएगी, एक्शन नहीं आएगा. यस और नो के बाद कभी एक्शन नहीं आता है, समझिएगा. तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शॉर्ट आंसर को ढंग से बोले अगर सीख रहे हैं तो. विल यू कम टुमारो? यस आई विल, या फिर नो आई विल नॉट. ना कि यस आई विल कम, ना कि नो आई विल नॉट कम. विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट. नो आई वॉन्ट. कैन यू स्विम? क्या आप तैर सकते हो? यस आई कैन. नो आई कांट. भाई आर यू ओके, ठीक हो? यस आई एम. नो आई एम नॉट. आप ये नहीं बोल सकते यस आई एम ओके, नो आई एम नॉट ओके. हैव यू अंडरस्टूड? यस आई हैव, नो आई हैवंट. नहीं, मैं नहीं समझा. हाँ हाँ मैं समझ गया, यस आई हैव. डू यू स्मोक? सिगरेट पीते हो क्या? यस आई डू. नो आई डोंट, मैं नहीं पीता सिगरेट. Did you see him last night? क्या आपने कल रात को उसे देखा? Yes, I did. हाँ मैंने देखा. No, I didn't. मैंने नहीं देखा. Were you sleeping when I called? क्या आप सो रहे थे जब मैंने कॉल किया? Yes, I was. No, I wasn't. नहीं, मैं नहीं सो रहा था. ना कि आप ऐसा बोलेंगे No, I was not sleeping. Yes, I was sleeping. Short answers के बाद कभी भी action नहीं आएगा. जो last है Would you like to dance with me? Yes, I would. No, I wouldn't. तो समझिएगा guys, short answer yes और no से दिए जाते हैं और उनके बाद action नहीं 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 आएगा, never ever. So I hope कि आपको video पसंद आया होगा. और